कभी कभी क्या होता है, जब डोली निकल जाती है तो बड़ा खालीपन महसूस होता है ना? आपके चेहरे पे तो ऐसा लग रहा है कि यार आप कल रात आईपीएल फाइनल के बाद इतने थक गए हैं कि आज आपका दिल ही नहीं कर रहा था ऑफिस आने का। हाँ, थोड़ी लग रहा है सेलिब्रेशन ज्यादा हो गई। खुश हैं आप जिस तरह से आईपीएल हुआ? हाँ, जो चाहिए था मिल गया। अब क्या करोगे? अब वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप की तैयारी है। वर्ल्ड कप की तैयारी जिसने करनी है वो पहुंच गए हैं। नहीं, वो तो ठीक है, हमारी तैयारी है। हमारी भी तैयारी है, मतलब उसी तरह के डिस्कशंस मिलेंगे, हो सकता है बेहतर मिल जाए। आपका इस बार नारा क्या है? वही नारा तो सेम ही नारा है। नारा बदल दो यार प्लीज। और क्या, कि जीतेगा तो इंडिया ही जी। अच्छा, नारा वही है, हम नारा नहीं चेंज करेंगे और वहां टीम नहीं बदलेगी। हाँ, टीम तो हमारी वही है। टीम तो आपकी पहुंच गई है न्यूयॉर्क, पहुंचने वाली होगी इनफैक्ट, मतलब अब आज हो सकता है प्रैक्टिस भी करने ये लोग उतर जाएंगे। हाँ, मतलब आप देखिए, इन टीमों में ज्यादा प्लेयर्स तो आपके हैं नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आपके जो हैं वो चले गए, वो आपके जा चुके हैं। कॉफी का मग हाथ में, पहले तो अवे फ्रॉम दिस प्रेशर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर आईपीएल का। अच्छा, इंडिया का आईपीएल का तो क्या, आधी टीमें तो आपकी पहले ही खत्म हो गई थी जिनके ज्यादातर प्लेयर्स हैं। आप देखिए ना कि आपके मुंबई इंडियंस से 4 प्लेयर्स हैं, आपके बाकी और टीम्स देखिए, आप आरसीबी के भी आपके 2 प्लेयर्स हैं, विराट कोहली और ये आपके मोहम्मद सिराज, और भी आपके तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स तो आपके जा चुके हैं। चलिए ठीक है, काम करते हैं आज, क्योंकि वर्ल्ड कप पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने सोचा कि एक ना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, क्योंकि हम लोग ना कभी कभी बहुत ज्यादा सिनिक्स हो जाते हैं। जी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ले सकते हैं? न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब विदेश से लेकर आएंगे किसी को? लाएंगे देश से, बट पर्सपेक्टिव और विजन हो सकता है कि मेरे और आपसे ज्यादा हो, ये हो सकता है। बाकी देखिए, अगर आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात करेंगे और किसी अगर आप हिंदुस्तानी को लेकर आएंगे या इंडिया का कोई आएगा, वो तो फिर वही बोलेगा ना, जीतेगा तो इंडिया ही। चलिए, अरिजीत तालपात्रा है हमारे साथ, सीईओ है आईटेल इंडिया के, और आपकी बदौलत, थैंक्स टू यू अरिजीत, बहुत सारी हमने ये जो स्पोर्ट्स वॉचेस है ना आईटेल की, ये हमने गिव अवेज किए, लोग बड़े खुश हैं। फोन जो है S24, ये भी हमने फाइनल में एक लकी विनर को दिया है, तो वो सब तो बड़ा अच्छा हुआ। बट आपके लिए आईपीएल कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। आईपीएल के 2 महीने कैसे निकल जाते हैं, मतलब शाम को आने के बाद और कुछ करने का इच्छा ही नहीं होता। और एक्चुअली अभी आज एक तरह से आप सही कह रहे हो, विड्रॉल सिम्टम है। आज आपके स्टूडियो में इसीलिए हूँ क्योंकि आईपीएल मैच नहीं है। तो शाम को आप क्या करेंगे आज? शाम को एक्चुअली पता नहीं क्या करूँगा मैं, तो अभी हर प्लेयर का रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप वर्ल्ड कप में होपफुल है इंडिया? राहुल ने कहा जीतेगा तो इंडिया ही, जीतेगा तो इंडिया ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हमारी जो टीम है, सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी टीम्स के 2-4-5 प्लेयर आईपीएल में थे, हमारी पूरी टीम 2 महीने से लगातार टॉप लेवल पे क्रिकेट खेल रही थी। तो इस लेवल की परफॉर्मेंस जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, और वेस्ट इंडीज के पिचेस हमारे जैसे ही होंगे, स्लो पिचेस हैं, मैच दिन के टाइम होगा प्राइम टाइम के हिसाब से, इंडिया प्राइम टाइम के हिसाब से, तो सुबह मैच होगा तो मेरे को लगता है पिच और स्पिन लेगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा टीम है। इनफैक्ट आप लोगों को भी बता दें यार, पिछले 2 महीने जो बहुत सारे लोग थे, आपको भी बता दें सर, आपको खैर पता ही होगा, आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर बड़े सारे आपको लोगों ने टैग कर करके परेशान भी किया होगा, बहुत सारे सवाल भी पूछे होंगे क्रिकेट के लिहाज से, ITEL_India। करेक्ट। तो बहुत सारे जो, इनफैक्ट कुछ नाम तो मुझे उंगलियों पे याद ही हो गए हैं, वो एक आर रेटेड प्रशांत, उनको भी भेजा था, उनको तो फोन मिल, ये घड़ी मिल भी चुकी है, फोन भी है बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ घड़ी है, फोन भी है, तो वो भी हमने दिए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी रिक्वेस्ट आई हैं, जो हमने दिए हैं वो तो दिए हैं, कुछ सर उसमें से आप भी बांट देना। बिल्कुल, आप सबको भिजवा दीजिए, सब खुश हो जाएंगे। घड़ी बहुत ही अच्छी है, और जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, जिस भी हमारे फैन का, स्पोर्ट्स तक के फैन को जाएगा, वो वाकई खुश होगा। और जिस हिसाब से आप लोगों ने इस पूरे चैनल को आगे लेके गए हैं, मतलब वी आर सो हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विथ यू, मतलब सच्चे में देखते हैं, देखते बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अरे वाह,
वेरी गुड. इनफैक्ट अब तो लोग हक से मांगते हैं कि मुझे घड़ी दो. एक्चुअली आई टेल यू कि हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम सब तो ले नहीं पाते क्योंकि हज़ारों की तादाद में आते हैं. हमारे पास भी थोड़ा लिमिटेड टाइम ही हो पाता है. दो एक घंटे ही कर पाते हैं हम अपना पोस्ट मैच. दो एक घंटे लोग ना पैसे दे के सुपर चैट्स भेजते हैं और हक से मांगते हैं मेरी घड़ी निकालो. एक जवाब देंगे, एक सवाल पूछेंगे, मेरी घड़ी निकालो. ऐसा होता है. खैर, आईपीएल में आप साथ थे. आई होप ये जो एसोसिएशन है सिर्फ वर्ल्ड कप ही तक क्यों, और भी बहुत सारी लीग्स आती है, बहुत इंपॉर्टेंट लीग्स भी आती है. जीतेगा तो नहीं, इंडिया जीतेगा. और भी बहुत सारी लीग्स है. एक आपने पता नहीं इस लीग का नाम सुना हो ना हो, एक होती है एसटीपीएल. इसके बारे में हम आपको शो के बाद बताएंगे. नहीं नहीं, शो में ही पूछेंगे, है ना. एसटीपीएल के बारे में आपको बताएंगे. और एसटीपीएल बड़ी फेमस लीग है. ओके. आपने शायद सुना नहीं होगा. नहीं, एसटीपीएल उसका सर सीजन 3 आने वाला है. अच्छा, वो भी आपको बताएंगे अभी. नहीं, बट वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर विद इन इंडिया, विद इन द कंट्री, भाई ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, ये मेरा प्लेयर है. करेक्ट. बट अब अचानक से सबकी टीम भी एक है और सबके प्लेयर्स भी साझा हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं. आप अगर पूरे वर्ल्ड कप में देखें, आप इंडिया को कहां प्लेस करते हैं? देखिए, इंडिया की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग है. स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं. क्योंकि पिच स्लो रहेगा तो मेरे को लगता है सिराज, बुमराह और हार्दिक फास्ट बॉलर्स, दो फास्ट और एक मीडियम पेसर हमारा हो जाएगा काम. बाकी जो स्पिनर्स हैं, चहल हो गया, कुलदीप, जडेजा, शिवम दुबे जरूरत पड़े तो बहुत ही अच्छी हमारी टीम है. अक्षर पटेल है, अगर जरूरत पड़े तो अक्षर भी आ सकता है अगर जडेजा की जगह हम कहीं पर रिप्लेस करना चाहें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, हमारे को किसी फील्डर को छुपाने की जरूरत नहीं. ये जो टीम है, क्योंकि T20 में फील्डर, जैसे हम कहते हैं कोहली 20 रन बचाता है, 50 रन बनाता है, 20 रन बचाता है, 70 हो गए तो 70 हो गए. तो आज अभी भी देखिए जो लास्ट मैच जडेजा 20 बनाते हैं, 50 बचाते हैं. तो जिस हिसाब से ये टीम है, दो विकेट कीपर और हम दोनों को खिलाना चाहेंगे, चाहे वो आप मुझे बताइए सर, आपकी टॉप 4 टीम्स, टॉप 4 इस वर्ल्ड कप की, आपको वो आपने कह दिया कि इंडिया जीतेगा तो इंडिया ही, बाकी की 3 टीमें कौन सी होंगी अगर वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमें देखें? सेकेंड टीम मैं बोलूंगा इंग्लैंड. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. फोर्थ टीम थोड़ा डिफिकल्ट है. फोर्थ टीम न्यूजीलैंड या पाकिस्तान में से कोई भी हो सकता है. न्यूजीलैंड या पाकिस्तान. तो आपकी टीम्स हैं इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान में से एक. आपकी? देखिए, टेक्निकली इंडिया सुपर 8 में जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप में न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और इंडिया भी है और श्रीलंका है. ठीक है. विच वुड मीन कि इनमें से दो ही टीमें जा पाएंगी, तो इंडिया होगा ही होगा. मैं समहाउ ऑस्ट्रेलिया को आगे रखूंगा, हालांकि न्यूजीलैंड कभी भी कुछ भी कर सकता है, बट मेरा मानना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहां से. अब सवाल है कि वहां से कौन, वहां पाकिस्तान होगा, वहां इंग्लैंड होगा, साउथ अफ्रीका होगा, होपफुली वेस्ट इंडीज भी होगा. अब वेस्ट इंडीज टीम तो बड़ी जबरदस्त है, बट एज नेशन वो कैसे खेलेंगे पता नहीं. पिचेस उनकी है पता नहीं. और कौन सा वेस्ट इंडीज आएगा, कौन सा वेस्ट इंडीज आएगा. इंग्लैंड को तो मैं डेफिनेटली रखूंगा. तीन टीमें आपकी कॉमन हो गई और एक टीम मैं समहाउ साउथ अफ्रीका की तरफ देख रहा हूं. अगेन, क्या वो प्रेशर झेल पाएंगे? बिकॉज साउथ अफ्रीका आईसीसी टूर्नामेंट तो खैर छोड़िए, उनकी दिक्कत आती है नॉकआउट गेम्स में. तो सेमीफाइनल तक की टीम तो है ही है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. साउथ अफ्रीकन बिकॉज प्लेयर्स बहुत सारे आईपीएल भी खेले हैं, जैसे क्लासन ही हो गए फॉर एग्जाम्पल, मतलब जिस तरह वो खेलते हैं. और आपने क्योंकि सही कहा कि स्लो पिच स्पिनर क्लासन इस वक्त दुनिया में मैंने देखा T20 में स्पिन सबसे अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों में एक है, बिकॉज वो लेंथ बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं, कौन सा गेंद आगे जाना है पीछे जाना है, और वो दड़ा मारते हैं ताकत से, रीच उनकी है ये. तो मैं चौथी टीम साउथ अफ्रीका रखूंगा. अच्छा, 15 मेंबर स्क्वाड आपको पता ही है कि क्या है. कोई एक खिलाड़ी जो आपको लगता है कि आपको रखना चाहिए था,
इस 15 मेंबर स्क्वाड में जो हो सकता था, बट अगर आप उसका नाम लेंगे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आप रखते हैं तो किसकी जगह रखते हैं। पहले मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल। मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल टीम गई है, हालांकि राहुल जिस दिन टीम चुनी गई थी उस दिन मुझे कोई डाउट नहीं था, पर उसके बाद कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अचानक डिप हुई, शिवम दुबे फॉर एग्जाम्पल, बट आई स्टिल फील के ही इज अ पंट जो इंडिया ने अच्छा लिया। रिंकू इज द ओनली अनफॉर्चुनेट प्लेयर जो इस टीम में हो सकते थे वो नहीं है, बट उस दिन जिस दिन टीम चुनी जा रही थी रिंकू और शिवम दुबे की लड़ाई थी, शिवम दुबे में इंडिया को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि जी बीच में भेज दिया और प्लस हार्दिक के बैकअप हो गए तो ही कैन टेक ऑफ। हालांकि उसके बाद से उन्होंने पैराशूट बंद करके घर पे ही रखा हुआ है। आप सर? मैं भी बिल्कुल इससे सहमत हूं इनसे, रिंकू मेरे हिसाब से इस टीम में होना चाहिए, होने चाहिए थे। बट रिंकू को अगर आप डालते हैं तो आप भेज सिर्फ 15 ही सकते हैं, तो रिंकू की जगह फिर बाहर कौन आता? रिंकू की जगह शिवम भी बहुत अच्छा खेले, क्योंकि शिवम दुबे की एक और यूटिलिटी है कि वो बॉल भी डाल लेते हैं। पर अगर आप देखेंगे इस टीम में जो स्पिन है, काफी स्पिनर्स हैं, अक्सर है, जडेजा है, कुलदीप है, चहल है, जो चार स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, तो रिंकू जो है ना लास्ट के चार ओवर में वैसा एक बैट्समैन हमको चाहिए था। तो रिंकू मेरे हिसाब से हमारे लिए होना चाहिए था। तो आप कह रहे हैं रिंकू को होना चाहिए था, अब किसकी जगह? खैर फिलहाल अब तो हाँ, मतलब वही बात है तो, कि वो किसकी जगह में बेचारे फंस गए इवेंचुअली। खैर बात अब वही आ गई जैसे गावस्कर साहब अक्सर कहते हैं कि टीम चुन ली, कि अब टीम चुन ली है तो आप लोग अब मतलब नुक्ताचीनी ना कीजिए और सीधे अब ये टीम को बैक कीजिए और जीतेगा तो इंडिया का ही। उसमें एक और चीज ये मुझे लगता है राहुल, जो प्लेइंग कंडीशंस है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज T20 आमतौर पर कब खेला जाता है? वो इवनिंग में खेला जाता है, कहीं कहीं ओस ड्यू जो है वो एक फैक्टर बन जाती है, वाइट बॉल जो है रात को ट्रैवल भी ज्यादा करता है, आपने हिट मारी तो ट्रैवल करता है। इंडिया के ही आप बिकॉज ऑफ द टाइम जोन और आप ब्रॉडकास्टर के लिहाज से इंडिया के मैचेस यहां पर तो आपको शाम को दिखेंगे, वहां पे सुबह 10 बजे होंगे। वेस्ट इंडीज की कई पिचेस मुझे लगता है कि 10 बजे ना सुबह थोड़ी स्लगिश हो सकती है, तो आई जस्ट होप कि वो लॉटरी ना बन जाए कंडीशन। अच्छा आपको याद होगा कि दुबई में 2021 में IPL का सेकेंड फेज हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, उसके बाद इमीडिएटली आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना था, वो भी वहीं था। हम सबको लगा कि यार वर्ल्ड कप भी वहीं हो रहा है और इमीडिएटली दुबई, हमने IPL खेला है उन्हीं विकटों पे उसी जगह, तो आपकी कंडीशंस भी सेम होती हैं, सब कुछ होता है, बट वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि इंडिया के बल्लेबाज जो थे ना उनके बहुतों के रन आए नहीं थे। अब अगर आप इस टीम में देखें, क्योंकि आपने बड़ी तारीफ भी करी और बड़े नाम भी हैं इंडिया के जो बल्लेबाजों की अगर बात करें, बट कहीं ना एक डर है लोगों को कि बल्लेबाजों के ना ज़्यादातर एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली रन नहीं आए हैं। अगर आप रोहित शर्मा देख लीजिए, मतलब वो रन लेकर नहीं जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़, रोहित शर्मा देख लीजिए, विराट ऑफकोर्स इज एन एक्सेप्शन, जायसवाल ये वो जायसवाल नहीं है जिनको हमने 2-2.5 महीने पहले देखा था। उसके बाद हार्दिक होंगे, आप देखिए हार्दिक, उनकी भी बल्लेबाजी को लेके काफी हद तक कंसर्न है। शिवम दुबे को अगर मैं देखूं तो उनके जिस दिन से वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी उसके बाद क्या हुआ, उनके 2 डक भी हैं और एक ऐसे मैच में वो फंस गए जहां पे उनकी टीम भी फंस गई और टीम ही बाहर हो गई चेन्नई सुपर किंग्स। तो कहीं रविंद्र जडेजा के आखिरी कुछ मैचेस में 2-1 मैचेस में ठीक ठाक रन आए, बट बैटिंग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, स्पेशली जब क्या होता है विकेट बहुत अच्छी नहीं है, जो आपने खुद बताया अभी स्लोइश विकेटें होंगी तो वहां पे आपको वक्त चाहिए होता है। आप अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो स्लोइश विकेटों पे आपको थोड़ा ना रन ढूंढने पड़ते हैं, मतलब अगर आप चाहेंगे नहीं कि अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आप स्लोइश विकेटों पे शुरुआत करें, बैटिंग कंसर्न लगता है आपको इंडिया का? देखिए कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, जय शाह जी ने लिखा कि हमने टीम सिर्फ IPL को देख के नहीं बनाया। देखिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ऐसे टूर्नामेंट में ना आपका माइंडसेट और प्रेशर कंट्रोल करना, वैसे 2 महीने के IPL खेल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी एक्सट्रीम प्रेशर हैंडल करते हैं, पर मेरे को लगता है यूथ और एक्सपीरियंस का एक मिश्रण है हमारे टीम का, और जब ये टीम एक साथ खेलेगी आई एम श्योर हार्दिक अगर आप देखेंगे IPL में बिल्कुल नहीं चल पाए, पर वर्ल्ड में मेरे को लगता है टॉप 3 ऑलराउंडर्स में हार्दिक का नाम होगा, वो क्रिटिकल रहेंगे। आई एग्री विद यू,
तो हार्दिक टॉप थ्री ऑलराउंडर्स में है, तो चहल एक्सट्रीमली गुड बॉलर, सैमसन और जिस हिसाब से इस बार पंत वापस आए हैं ये दोनों पावर हिटर्स हैं। रोहित और विराट का जो एक्सपीरियंस है मेरे को लगता है इन दोनों को ओपन करना चाहिए। अगर ये दोनों ओपन करें, एक तरह से स्काई भी लास्ट में खेलना शुरू किया, स्काई अगर वन डाउन आए उसके बाद सैमसन पंत, उसके बाद आपका आप दोनों आप अगर मैं आपको क्योंकि अगर आपको टीम बनानी है 11 बनानी है, हालांकि आपने आधा जो मेन डिबेटिंग पॉइंट तो आपने ओपनर कौन? आपने दुविधा ही खत्म कर दी। अगर विराट और रोहित से आप ओपन करवा रहे हैं तो उसमें यह है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप पंत और सैमसन के साथ दोनों के साथ जा सकते हैं। अगर आपको एक ही को खिलाना हो तो कौन खेल रहा है आपकी टीम में? क्योंकि मुझे पता है कि आप राजस्थान रॉयल्स के बहुत बड़े फैन हैं और बट आई एम श्योर कि आप उससे बड़े फैन इंडियन टीम के होंगे। तो अगर आपको एक ही विकेट कीपर खिलाना है, अगर क्योंकि ऑप्शन ना निकल पाए, अगर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर भी खिलाना पड़ गया, कहीं टीम ये सोचे कि भाई शिवम दुबे को मुझे 11 में डालना है, तो आपके वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर कौन होने चाहिए? फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर मेरे हिसाब से सैमसन होना चाहिए, संजू सैमसन। हो सकता है पंत की विकेट कीपिंग उनसे थोड़ी अच्छी है, पर जिस हिसाब से संजू सैमसन का फॉर्म था और लास्ट तक वो खेले हैं, पर ये डिबेटेबल है क्योंकि पंत भी आईपीएल बहुत अच्छे खेले हैं। अगर आप मेलो को बोलेंगे मैं राजस्थान रॉयल का बहुत बड़ा फैन हूं और सैमसन अग्रेसिव, अगर एक को खिलाना है तो मैं सैमसन। और आई थिंक आपकी आपने जो पॉइंट दिया ना वो ये भी जस्टिफाई कर देता है कहीं ना कहीं, जो आपने उससे पहले ऑप्शन दिया था कि विराट और रोहित अगर ओपन करते हैं तो संजू सैमसन तीन खेल सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन ने आईपीएल में अपनी टीम के लिए बड़ा अच्छा किया नंबर तीन पर। Correct. तो वो भी एक आपके लिए ऑप्शन, आप भी इत्तेफाक रखते हैं? मैं भी रखता हूं। मैं थोड़ा सा मेरा ये होगा कि रोहित विराट, तीन संजू, चार सूर्या। अब पांच इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि पंत के साथ भी जा सकते हो, शिवम दुबे के साथ भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और छह तो आपके हार्दिक पांड्या है ही, बाकी मैं भी तीन स्पिनर्स, दो फास्ट बॉलर और एक हार्दिक पांड्या, साथ पे रविंद्र जडेजा आ गए। हाँ जी करेक्ट। उसके बाद फिर मेरा ये मानना है राहुल हमेशा कि आपके पास अच्छी बॉलिंग है ना, अगर अटैकिंग आप विकेट ले सकते हो तो यार आपको वो बफर जो है ना बैटिंग में मिल जाता है। करके कोई बात नहीं, आप विकेट लो यार, आप सामने वाले को 240 क्यों खाते हो आप? आप अगर चहल, कुलदीप, जडेजा तीनों के साथ उन पिचेस पे जाओगे, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी यार आप सामने वाली टीमों को 180-90 में रोक लो। व्हाई वुड यू लेट देम गेट टू 220-225? सही बात है। और चीज है ना, और एक चीज ये भी है ना कि अगर आपके ये अच्छे स्पिनर्स हैं, रिस्क स्पिनर्स हैं दो, चहल और कुलदीप, ये दोनों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। आप देखें ना उस मैच में मिडल ओवर यूजी चहल ने स्पेल डाला, उनको एक विकेट मिला, बड़ा विकेट मिला विराट कोहली सबसे बड़ा मैच वहीं पे, बिल्कुल। और बुमराह को पिच से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वो तो इम्यून है, वो इम्यून है। और ये दोनों अगर आपके जो स्पिनर्स है ना, कुलदीप स्पेशली, कुलदीप और चहल, मैं जडेजा क्योंकि उन्होंने तो खेलना ही खेलना है और जडेजा के की जो यूटिलिटी है वो अलग भी है, ये बीच में आपको विकटे लेके देंगे। और बीच में अगर आप विकटे ले देते हो तो ये है कि डेथ में तो क्या होता है कि अनलेस आप बुमराह नहीं हो तो डेथ में कोई भी आ जाए आपके सामने, करेक्ट, उसकी पिटाई होनी ही होनी है। अगर आपने बीच में विकटे ले लिए तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि बाद में ना आपके पास बैट्समैन ही ना बचे जो आपके डेथ बॉलर्स को पिटाई लगा। करेक्ट। वर्ल्ड कप तो जी सबकी नजर रहेगी ऑब्वियसली, पूरा हिंदुस्तान। आईपीएल तो ठीक है, आईपीएल एक अलग तरह का त्यौहार हो जाता है, बट ये सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली कह लें या जो मर्जी कह लें वो एक ही है, वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप बार बार नहीं आता, 11 साल से इंतजार भी चल रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का इंतजार इस बात को लेकर भी है कि आईटेल का ये फोन और आईटेल की जो स्पोर्ट्स वॉच हम दिखाते थे। बट मैं देख रहा हूँ कि आपने एक अलग तरह की घड़ी आज पहनी हुई है, ये आईटेल की वॉच है? ये बिल्कुल आईटेल की वॉच है, मेटेलिक बैंड, बिल्कुल फॉर्मल वॉच है, बट ये स्मार्ट वॉच है। और आप जैसे कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि आपकी वॉच सर्विसिंग पे गई है, तो ये वॉच वेरी वेरी लाइट वॉच, 1000 nits ब्राइटनेस जो है वो स्मार्ट वॉच में इस प्राइस सेगमेंट भी है, मतलब और प्रॉपर ये फॉर्मल वॉच भी है, पर इतना सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सर्विसिंग वाली जब आ जाएगी वो ही ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा महंगी होगी।
आईटेल जो प्राइस है ना, हम अपने कंज्यूमर्स को हम कहते हैं हम डेमोक्रेटाइज करते हैं टेक्नोलॉजी को। उसका मतलब क्या कि हम एक्सट्रीमली हाई टेक्नोलॉजी देते हैं अपने कंज्यूमर्स को, बट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो एक्चुअली आईटेल इज नोन फॉर वैल्यू फॉर मनी ब्रांड। ये घड़ी जो है आपके, अच्छा ये जब आप प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, आपका फोन है या आपकी वॉच है, तो रिसर्च वगैरह आप क्या करते हैं? जैसे स्पोर्ट्स तक पे हैं हम शायद हर तरह की टारगेट ऑडियंस को हम चाहते हैं कि मेरे फादर भी देखें और शायद मेरे बच्चे भी देखें। सो यू कैटर टू एवरीबडी। तो आप ये जो जनरेशंस चेंज होती रहती हैं, हाउ डू यू एसोसिएट विद देम? सी, आपको जान के खुशी होगी कि आईटेल का कस्टमर बेस 10 करोड़ से ज़्यादा है। 10 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि एक फ़ोन या घड़ी आप पहनते हैं तो कम से कम 4 जनों को पता हो। तो इसका मतलब 40 से 50 करोड़ लोगों को आईटेल के बारे में पता है। वेरी गुड। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी मार्केट इंटेलिजेंस और कंज्यूमर इंसाइट टीम प्लस हमारी R&D टीम, मेट्रो Tier 1, Tier 2 और तहसील, हर जगह जाके कंज्यूमर से मिलती है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश करती है और उनके हिसाब से उनके प्राइस सेगमेंट में प्रोडक्ट लाती है। एक और राहुल चेंज भी तो आया ना नया, और उस चेंज का हिस्सा हम भी हैं। मतलब हम आज तक पर शोज करते थे, इंडिया टुडे पर शोज करते थे, फिर स्पोर्ट्स तक आया, स्पोर्ट्स तक सीधा सीधा मोबाइल पे आ गया। करेक्ट। और हमारी अगर सक्सेस है तो उसमें कई चीजें हैं। एक तो ये है कि बैंडविड्थ क्या है, जो सेल्युलर कंपनी है वो आपको कितना GB हर रोज दे रही है, प्लस फोन की बैटरी लाइफ। और इस IPL के दौरान चूंकि हमारे पास ये आईटेल का फोन था तो हमें पता चला इसकी बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा है, ये सबसे जल्दी चार्ज भी हो जाता है। तो हमने लोगों को कहा, एक सर्वे कराया हमने कि आप एक काम कीजिए, आप ये स्पोर्ट्स तक का शो देखें अपने आईटेल के फोन पे, मैच भी उसी पे देखें, क्योंकि लीनियर टीवी से अब लोग मोबाइल की तरफ भी चलेंगे, और फिर रात को हमारे शो पे भी आए। तो रात को क्या होता था, मनोज नहीं है यहाँ पे, तो हम पहले पोस्ट मैच करते थे आधा पौना घंटा, अब आपके फोन के चक्कर में क्योंकि बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा हो गई, हमें पोस्ट मैच शो पौने दो घंटे करने पड़े। मतलब अब पता नहीं मैं क्या आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊं कि नहीं, बट द फैक्ट इज कि ये जो बैटरी लाइफ है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो न्यू इनोवेशन नाउ। एब्सोल्यूटली। देखिए पहले 2000 mAh, 2400 mAh, 3000 mAh की बैटरी होती थी, लोग चार्जर बैटरी बैंक लेके घूमते थे। मेरे को याद है जब मैं रूरल में विजिट करता था, एक घंटा चार्जिंग के लिए 20 रुपये लिया जाता था। अच्छा। कई जगहों पे आप चाय पी रहे हैं, आप चार्जर पे लगाइए, 20 रुपये घंटा। आजकल चार्जर लोग बैग में रखते हैं, सारा दिन चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यंगस्टर्स आजकल टीवी देखते नहीं है, लैपटॉप देखते नहीं है। KPMG का एक रिसेंट सर्वे है जहाँ 68% लोग मोबाइल पे ही अपना पूरा OTT में मूवीज देखना, मैच देखना हो, सब कुछ मोबाइल पे कर रहे हैं। सही बात है। तो आप IPL ही देखिए, IPL लोग मेट्रो में देखिए, बस स्टैंड में, गाड़ी में भी बैठे हुए हैं। तो सर सिंपल सी बात है, दो बिडिंग होती हैं IPL के लिए, एक लीनियर टीवी के लिए, ब्रॉडकास्टर के लिए, एक लीनियर टीवी और एक डिजिटल। करेक्ट। दोनों का ऑलमोस्ट सेम प्राइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डिजिटल ब्रॉडकास्टर जो है वो ज्यादा पैसा दे रहा है, कुछ थोड़ा ही ज्यादा दे रहा है, बट दे रहा है। मतलब आपका दोनों अगर 25-25 हजार के आसपास, 25-25 हजार करोड़। करेक्ट। दे रहे हैं, विच मीन्स कि आज की डेट में लोग मोबाइल पे बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, एज इन कि आपके चाहे स्पोर्ट्स तक हो गया। आपने बताया कि जी कितना आपने बताया सर, 4 करोड़ आपके, 10 करोड़ आपका, प्लस 7 मिलियन हमारे भी ऐड कर लीजिए उसमें। करेक्ट। नहीं, 7 मिलियन वो प्लस आपकी रीच भी तो है ना, हर रोज जैसे स्पोर्ट्स तक का मैं IPL का देख रहा था, IPL में स्पोर्ट्स तक ने कोई आई थिंक 160 मिलियन इंप्रेशंस किए हैं। तो 160 मिलियन इंप्रेशंस कितने करोड़ हो गए, 16 करोड़। मेरा हिसाब थोड़ा, नाम के आगे मेरे गुप्ता जरूर है बट थोड़ा हिसाब किताब कमजोर है, 16 करोड़ इंप्रेशंस ये भी हो गए। अच्छा अब सर आप ये बताइए, वर्ल्ड कप तो होगा, वर्ल्ड कप हम देखेंगे भी, आपके साथ भी रहेंगे, एक और बहुत बड़ी लीग है तो उसके बारे में हम चाहते हैं आपसे आपका विचार। IPL वर्ल्ड कप और एक और वर्ल्ड कप है, उसका नाम है STPL Season 3, जो वर्ल्ड कप के तुरंत बाद लॉन्च होना है। स्पोर्ट्स तक प्रीमियर लीग, क्या बात है। स्पोर्ट्स तक प्रीमियर लीग क्या है, हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया,
पहला एक मैच खेला सर वैसे ही आपस में, तो हमने एक रेड टीम बना दी एक ब्लू बना दी, ये ब्लू टीम के कप्तान थे, मैं रेड टीम का खिलाड़ी था, ये पहला मैच जीत गए, एक ही मैच होना था। पहले तो आप भी कप्तान ही थे सर? नहीं नहीं मैं नहीं था, मैं रिमोट कंट्रोल पीछे से रखता हूँ। तो इनकी टीम जीत गई, एक ही मैच होना था, आप जीत गई। उसके बाद हमने कहा नहीं हम तो हार नहीं मानेंगे, हमने कहा चलो एक काम करते हैं एक और मैच खेलते हैं, वो भी ये जीत गए। उन्होंने कहा कि तीन मैच की सीरीज कर लेते हैं, ये कहा था। हाँ, तो ये वो भी ये जीत गए, ये 2-0 अप हो गए। अब हमने कहा ये कैसे हो सकता है, तो सर हम थर्ड मैच हम जीत गए, हमने कहा भाई काम करते हैं बेस्ट ऑफ 5 कर देते हैं, तो चौथा भी हम जीते पांचवा भी हम जीते, तो सीजन 1 रेड जीत गया, ये 2-0 अप से बेचारे हार गए। अब पिछला जो साल था उसमें इस लीग को और बड़ा ग्रैंड टेलीकास्ट भी होता है ये, फिर 2-0 अप, फिर तीनों मैच हम जीते। तो ये फिलहाल 2 सीजन हार चुके हैं और इस सीजन की इनकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है, इनके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं चाहता था आप ना ये जो स्पोर्ट्स वॉच है ये दें और खिलाड़ी अपना अपना मेजर करें कि भाई आपके खिलाड़ी जो हैं आके बोल तो देते हैं ब्लू वाले हमने ये किया वो किया, आप टेस्ट आप चेक तो कर सकते हो। प्लेयर ऑफ द मैच 5 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच होने चाहिए, नहीं वो सब होने चाहिए। अरे आप अपनी टीम पे मैं कह रहा हूँ टैब रख सकते हो कि आपको झूठ आ गया किसी ने बोल दिया कि जी मैं तो 4 किलोमीटर भाग के आया, तो पता चल जाएगा ना। हमने कहा कि जब शुरू हुआ था, खैर शुरू तो ऐसा होता खेलते ही थे इधर उधर, तो हमने कहा एक दिन ऐसे ही हम लोग खेलने पहुंच गए यहाँ पे पीछे, तो वहां पे फिर वो जब अब बन गया तो देखा उसके ऑफिस में भी थोड़ा हल्ला वल्ला होने लग गया कि भाई लोग भी बोलने लग गए, देखने भी आ गए, ऊपर से हमारी टॉप हायरार्की भी देखने आ जाती थी मैचेस वगैरह फाइनल वगैरह। हमने जी हरभजन सिंह क्रिकेटर जो है हमारे उनको कॉल किया, उन्होंने उनसे हमने जर्सीज मंगवा ली, उन्होंने दोनों टीमों की जर्सीज बनवा ली क्योंकि उनकी भी एक कंपनी है भज्जी स्पोर्ट्स, वो कपड़े बनाते हैं। और तो हमने कहा जी आप वहाँ से जर्सीज भेज दीजिए। फिर गौरव सिंगल जी उन्होंने क्या उन्होंने खाने पीने का इंतजाम, उन्होंने तो बहुत इंतजाम कर दिए, ग्राउंड बहुत जबरदस्त है। तो मैं ये चाहता हूँ, खैर एसटीपीएल लीग तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बिफोर दैट एक आपकी आईटल टीम और एक हमारी आईटल इंडिया वर्सेस स्पोर्ट्स तक एक मैच वर्ल्ड कप से पहले हम खेल लें, वैसे ही आपस में मैच खेल लें। 100% खेलना चाहिए, वेरी गुड। ये अभी खेल लेते हैं, नाइट मैच होगा, रात को 8:30 शुरू करेंगे, 11:30 खत्म होगा। हमारी टीम भी बहुत जबरदस्त है। ओ बस फिर तो हो गया सर, डन हो गया, फिर तो नुकसान हो गया। ये एक हफ्ता है हमारे पास, ये तो एक मैच कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स में या तो हम जीतते हैं या तो मतलब बहुत क्लोज रनर अप है सर। हम भी कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स खेलते हैं, हम भी जीतते हैं फेयर प्ले अवार्ड, टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाते, नहीं जीते हम एक बार, हम आज तक तो नहीं जीते, एक जीते थे अलग ही, नहीं टूर्नामेंट्स हम जीते हैं बट जो मेन हमारा मानव रचना है वो नहीं जीत पाते। नहीं नहीं कौन सा जीते हैं टूर्नामेंट हम जीते हैं एक ही, अरे यार वो जीते तो थे वो वाला, हां वो टी10 लीग जीते थे, आईपीएल के प्लेयर्स खेल रहे थे, आईपीएल के प्लेयर्स खेल रहे थे, हम जीत गए फिर। वाह, तो एक काम करते हैं राहुल जी, अब चूंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए तैयारियां करनी शुरू करें। बड़ा मजा आया अरिजीत जी आपसे बात करके, और ये हमारा मैच ड्यू है, पक्का 100% ड्यू है। और आप लोग भी एक काम कीजिए, स्पोर्ट्स वॉच जिन जिन को मिल गई आईपीएल में वो तो बड़े खुश होंगे, बट इन्होंने क्या किया है, अभी भी अगर आप आईटेल के इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को टैग करके आईटेल अंडरस्कोर इंडिया को टैग करके आप आस्क स्पोर्ट्स तक सवाल भेजते हो तो भाई अपनी तरफ से ये भी आपको भिजवाते रहेंगे। प्लस वर्ल्ड कप तो आ ही गए है ना, फोन तो लेना ही है क्योंकि स्पोर्ट्स तक पे शोज देखने हैं आपने, फिर आपने उसी पे मैच देखना है और फिर दोबारा यहां पर देखना है। प्लस अगर मैं यूएस में हूं तो वहां से भी तो मैं कुछ कवरेज करूंगा सर, मैं एक काम करूंगा एक फोन ले ही जाऊंगा, सो दैट कवरेज के लिए वहां पे बैटरी, जब आप व्हेन यू डूइंग लाइव्स और बैटरी बड़ी जल्दी चली जाती है, करेक्ट। तो एक फोन मैं भी यहां से उठा रहा मैं ये ले जाऊंगा, एब्सोल्युटली ये लेके जाना चाहिए, मैं ये लेके जाऊंगा और एक घड़ी भी ले जाऊंगा ऐसी वाली क्योंकि सर्विसिंग पे गई हुई है ना घड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। आईटेल इंडिया के सीईओ हैं अरिजीत जी और आप इनके प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स देख ही सकते हैं, देख क्या सकते हैं यार, आपको पता ही है 2 महीने आप आईपीएल में हमारे साथ थे। अमेजिंग स्पोर्ट्स वॉच फोन इनका यहां पर है, बस आपको करना क्या है फटाफट से इसको खरीदना है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।